की गावे पातली सरी पड़ो सू विणो जट जगनी नाथ जीरो धाम साचे मनजू संताने सिवरे बिना पूर्ण होवे सब काज कि पूर्ण करी सब काज सरणी जू कोई आवे भजन बना कर जगन्नाथ जीरो पातली सर में अजमेरो जस गावे। भजनों ये भजन थोड़ा अंतरात्मा से सुन लेना, संतों की महिमा है। तो बोले हो मारा जगन्नाथ जी ए आप ही हुया ही तपधारी तन मन त्याग हे तपश्चातापी अरे तन मन त्याग संतों तपश्चातापी कहाँ तापी अरे पातली सरी बड़ा के माई ओ संतों हो जगन्नाथ जी आप ही बड़ा तपधारी एक बार अंतरात्मा के लिए बच्चे दोनों हाथ उठे बोलो जगन्नाथ जी महाराज संतों को जन्म यो भक्तों मुमासर गांव में जो यहाँ से 4 कोस यानी कि 12 किलोमीटर दूर है और भक्तों सेन समाज में इन्होंने जमा पाया। ये अंतर देखो, संतों की कोई जात नहीं होती है लेकिन गुरु महाराज ने जो इस धरती पर अवतरण लिया वो सेन समाज में लिया और सेन समाज में भी भक्तों फूल भाटी गोत्र बाब जी की कही। तो बोले मुमासरी में आप जन्मिया भोरा धर तीर माई सेन समाज में जामो पायो सेन समाज में जामो पायो ये फूल भाटी ने कमाई हो संतो आवी बड़ा बधाई I'm
महाराज से बाप जी जन्म लियो और गुरु महाराज धीरे धीरे जोत जवान हो गया। आप सबको बता बकता हूँ, आदमी जब मोटो वे बड़ो वे जन्म की बात चला करे, शादी की बातें चलती है। गरबड़ा बोलो रे बेटा तने पना दिया तने शादी कर दा जगन्नाथ। बोले नहीं मैं शादी नहीं कर सकता क्योंकि ये जगन्नाथ का जो शरीर है इस दुनिया में आया है ये शादी के लिए नहीं आया है, ये राम जी का नाम लेने के लिए भगवान भोलेनाथ की महिमा का बखान करने के लिए आया भक्तों। और जगन्नाथ जी महाराज आज जीवन ब्रह्मचारी रहे, उन्होंने शादी नहीं करी। तो बोली अरे बालीपना में भक्ति करीता, बालीपना में ये भक्ति करीता, राम जी सुनी गनी लगाई। बाल ब्रह्मचारी रहे गुरु महाराज ने ना एक जगह नहीं पर कितनी जगह तपस्या करी थी, तीन जगह पर तपस्या करी। देखिए सुनिएगा ज्ञान की बात, जितने भी भक्त बैठे हैं जो नौजवान युवा पीढ़ी है, गुरु महाराज ने भक्तों तीन जगह पर तपस्या तापी थी, तीन जगह पर ये भोलेनाथ की भक्ति करते थे शंकर भगवान की। सजनों पहला जो धुना तापा था वो था पातलीसर बड़ा, जहां हम लोग बैठे हैं यहाँ पर पहला, दूसरा बाड़ा धोरा, तीसरा धोरा था भक्तों मोहन टोकी धोरा। ये तीन धोरों पर गुरु महाराज ने तपस्या करी भगवान की और दुनिया में नाम अमर हो गया। तो बोली अरे पहलो धूनो पातली सर बड़ा में, अरे दूजो बाड़ा रे माई, अरे तीजो धोरा में करी तपस्या, तीजरी धोरी करी तपस्या, अरे धुर मोहन टोकी हो संतो काफी बड़ा के भाई साहब एक मिनट सुनिएगा। पातली सर गांव में बाड़ा दोरा पर और मोंटो की दोरा पर, देखो भक्तों हर जगह इंसान बराबर नहीं होते, केवनी साहब कि एक रे मायड़ा बेटा चार चारों री करनी नारी नारी। जरूरी नहीं है कि संतों के प्रति जो आप लोगों का सम्मान है वो मेरा हो, और जरूरी नहीं है कि इन बच्चों का वैसा सम्मान हो, ये तो सम्मान की बात है। तभी तो बूढ़े बुजुर्ग देखो आप यहाँ आके नाचने लगे थे गुरु महाराज का नाम सुन के, बाकी सुवटिया चिड़कलिया मुरुड़ा गाता ना भैया ये यहाँ पर ये नहीं आते, हाँ आप नाच लेते लेकिन ये नहीं नाचते, ये गुरु महाराज की महिमा का है। तो कोई एक आदमी ने सोचा रही ये तो संत झूठे हैं, जगन्नाथ जी महाराज सच्चे नहीं है,
गुरु महाराज की परीक्षा लेनी चाहिए। अरे गुरु महाराज की अपनी क्या औकात है साहब, गुरुदेव की उस इसी मूर्ति की हम परीक्षा ले। लेकिन एक आदमी ने सोचा नहीं, गुरु महाराज ने तीन जगह पर ये धोरे पर तपस्या की ना, मैं इनकी परीक्षा लूंगा। सजनों वो आदमी आप ही ऊंटनी ली हुई, ऊंटनी भी बहुत तेज दौड़ने वाली। सबसे पहली वो पातलीसर बाड़ा में आई और बाप जी का दर्शन किया। बोले बाप जी हरिओम हरिओम, विराज आओ महाराज। बोले बैठा विराज हूँ बैठे हूँ। अब देखिए उसके मन में कपट था, वो गुरु महाराज की परीक्षा लेने के लिए आया था। भक्तों गुरु महाराज अट दर्शन दिया, अटू सजनो सीधो गयो वो बाड़ा धोरा माते। बाड़ा धोरा माते देखे तो बटे गर्म, देखो बटे भी बाप जी विराजमान। वो क्यों हो सके मरी आंखों को भरे। बोले बाप जी प्रणाम। बोले बेटा प्रणाम, खूब आशीर्वाद आनंद करो। बोले 100% मोन्टो की धोरा माते बाप जी नहीं मिल सके। भक्तों ऊंटनी ने दौड़ी जती कोशिश ही, और सजनो जिया ही मोन्टो की धोरा माते गई ऊंटनी। बटे भी जगन्नाथ जी महाराज रुआसन और बाप जी बटे भी विराजमान। हाँ एड़ा संता श्री जगन्नाथ जी महाराज दोनों हाथ लगे जगोच करेंगे एक बार। बोलो जगन्नाथ जी महाराज की। अनिल जी भाई साहब एस मीडिया संत आपने जीवन में खूब देखेंगे, आप कथा मायरा में जाते हो है ना, आप लोगों ने भी संत महात्मा देखे होंगे। गुरु महाराज के देखिए मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ, अच्छे सुंदर वस्त्र, क्योंकि भक्तों की खूब भेंट आती है, खूब आशीर्वाद है ना मालिक का, अच्छे अच्छे वस्त्र अच्छी अच्छी गाड़ियां। लेकिन जगन्नाथ जी महाराज भक्तों एक ऐसे संत प्रवर हुए हैं, शायद आप जो नई पीढ़ी है मेरे हम उम्र मेरे भाई आप लोगों ने नहीं देखा है। ये जितने भी बूढ़े बुजुर्ग बैठे ना इन्होंने देखा है। अरे गुरु महाराज कोई वसन नहीं धारण करते थे, गुरु महाराज कोई कपड़ा नहीं, घर में जो आप बोरी है ना बोरी, अरे बोरी का टुकड़ा कट्टो बोला आपा जी ने, जो मूंगफली की बोरी सजनो गुरु महाराज बोरी को धारण करके अपने शरीर पे रखते थे, और गुरु महाराज पगले रे महीने घुंघरू बांधोड़ा राखता। एड़ा संत हावे जगन्नाथ जी महाराज। तो बोली हाँ जी क्या बात है, और लकड़ी की भारी आगे चलती गाड़ी आगे चलती, वाह भाई। तो बोली अरे बोरी को बाबा चोड़ू पहनीता, बोरी को बाबा चोड़ू पहनीता, पग में घूंघर पहनी, अरे भोलेनाथ की माला जपता, भोलेनाथ की माला जपता, हे चूना मारी कर माई ओ संतो जन्म लेगा वो मरेगा, जो उदय होगा वो अस्त होगा, जो प्रारंभ होगा उसका अंत होगा, जो बिगनिंग होगा उसका एंड होगा। गुरु महाराज ने मोहम्मद सर गांव में जन्म लिया, भक्ति करी, और भक्तों एक तिथि का दिन आ गया चेत बदी तीज विक्रम संवत 2040। आज से 35 साल पूर्व गुरु महाराज ने अपने शरीर को त्याग दिया। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, अरे एक सिंहासन बैठ जाएगा दूजा बंदा जंजीर। अच्छे कर्म करो, बढ़िया भगवान का नाम लो सजनों, ताकि वैकुंठ से पाल किया है और यमराज के दूत आपको मारते हुए नहीं ले जाए, साक्षात ईश्वर आए आप लोगों को वैकुंठ में ले जाए। जगन्नाथ जी महाराज ने चेत बदी तीज को सजनों अपना शरीर त्याग दिया और गुरु महाराज को पातलीसर में समाधि दी गई। वर्तमान में रामनाथ जी महाराज वो महंत है या गादीपति है। तो बोले
री रामनाथ जी करी सी विना गादी पति रे कहांगी। और बहुत बहुत धन्यवाद मोहन राम जी कुडलिया साहब का। अरे मोहन राम जी ये बतारी बताई सजनों, ये भजन क्यों गाता हूं मैं हर जगह है। मोहन राम जी उम्र दराज आज 70-80 साल के चौधरी साहब है, इन्होंने मुझे इतना बताया आज मैंने ये गा दिया। यूट्यूब के माध्यम से आप जीवन भर देख पाओगे, नए बच्चे हो ना आप लोगों को ये जानकारी हो, बस मेरा ये उद्देश्य है। अरे मोहन राम जी बात बताई और अजमेरू मई मा गाई हो जगन्नाथ जी काफी बड़ा रसधारी। जगन्नाथ जी संतोरा गाया हरे बोलिए संत श्री जगन्नाथ जी महाराज की बजरंग बली की।